विद्यार्थियों, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, जिसमें दो एग्जाम्पल हैं। दोनों में ही देखना आपको कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम दिखाई दे रहा है। अब इसमें अपन को क्या करना है, देखना कि इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो अपन देखेंगे फाइंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है अपन को, इसमें कैलकुलेट करना है। दोनों में देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, या फिर अपन क्या देखेंगे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेंगे, या फिर अपन देखेंगे इसमें आउटर या इनर ऑर्बिटल। आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग वीबीटी। देखिए, दोनों कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं अपन, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल अपना CO F6, और ये क्या -3। इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कोबाल्ट क्या ऑक्सीडेशन नंबर, यानी अपन कैसे देखेंगे इसमें, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए अपन को करना है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यानी सेंट्रल मेटल एटम में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है अपन को, अपन को देखना है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। यानी कोबाल्ट यहाँ क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें सबसे पहले अपन को देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब देखिए, जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाएगा, तो फिर क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई द, क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। यानी कि लिगेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में लिगेंड कौन सा है, स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखिए, देखेंगे क्या, या तो होगा कौन सा, वीक फील्ड लिगेंड या होगा स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड। दोनों में ही क्या, या तो वीक फील्ड लिगेंड होगा या फिर क्या होगा अपना, स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड। देखिए, अगर अपना वीक फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, और अगर स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग, यानी कि पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर लेंगे। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं, अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है CO F6 3-, CO F6 3-। इसमें देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, इसका अपन को ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे उसको क्या मानते हैं, एक्स। तो अपन ने कोबाल्ट को क्या मान लिया, एक्स। अब अपना F6 है, यानी कि फ्लोराइड में
सिक्स है, तो एक फ्लोरिन पे क्या चार्ज होता है, एक फ्लोरिन पे चार्ज होता है -1। तो देखना -6 हो गए, 6 है, एक पे -1 होता है, तो क्या चार्ज हुआ है अपना, टोटल कितना हुआ, -6 इक्वस टू क्या है, ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है उसको अपन आगे लिखते हैं -3। अब देखना एक्स -6 इक्वस टू 3, माइनस के हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस के क्या होंगे 6, क्योंकि प्लस के 6 इधर, माइनस के 6 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 6। अब देखना एक्स इक्वल टू कितना बच गया, प्लस का 6। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, CO प्लस 3 लिख सकते हैं अपन इसको, तो अपन लिखेंगे CO प्लस 3। अब देखना ये जो CO प्लस 3 है, अब यहाँ पे अपन कोबाल्ट का सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए अपन को कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो कोबाल्ट है वो कितने नंबर पे आता है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 27। अब जब 27 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो क्या होगा, देखना ये है 3d, यानी कि सबसे पहले तो आर्गन, फिर क्या लिखेंगे 3d7 4s2। अब अपन को देखो हाइब्रिडाइजेशन में भी काम आएगा, तो अपन लिखेंगे 4p 0 होता है और 4d भी क्या है 0 है। अपन को यहाँ पे निकालना होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा अपना, कोबाल्ट, कोबाल्ट आता है 27 पे और अपन ने क्या लिखा, आर्गन 3d7 4s2 4p0 4d0। अब कोबाल्ट प्लस 3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, देखिए यहाँ पे आया था ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो कोबाल्ट प्लस 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपन को यहाँ से। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 तो बाहरी कोस 4s2 है और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, डी से। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गया, आर्गन 3d6 4s0 4p0 और 4d0। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि इसमें कैसे भरेंगे इनको ऑर्बिटल में, तो देखना 3d6 है इलेक्ट्रॉन है, ये d में भरे जाएंगे, तो यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे d में, 5। s ये 3d है, ये 4s, 4p क्या होगा यहाँ पे, ये 4p और ये 4d, ये वैकेंट है आगे 4d। अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 3d6 है, तो 3d6 होगा, बट यहाँ पे अपन को देखना है कि लिगेंड, तो लिगेंड कौन सा है यहाँ पे, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जब लिगेंड है तो ये वीक लिगेंड होगा। अब ये जो वीक लिगेंड है ये मैं बता दूँ आपको यहाँ पे कि आपका जो काम है, आप मतलब IIT का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो या फिर कोई भी बोर्ड दो, इसमें आपको ये देखना है कि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो आपके NCERT में दे रखे हैं कौन कौन से, या तो फ्लोराइड माइनस यानी कि फ्लोरिन माइनस, या फिर क्या हो जाएगा आपका Cl माइनस, या है ब्रोमाइड, या आप H2O। ये जो लिगेंड होंगे आपके ये क्या होंगे, वीक लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको लिखना है या तो अमोनिया मिल जाएगा, साइनाइड, या फिर मिल जाएगा CO-। ये जो लिगेंड होंगे ये क्या होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आपका लिगेंड दे रखा है F माइनस, तो F माइनस जो लिगेंड होगा वो देखना वीक फील्ड में आ रहा है। तो जब मैंने बताया वीक फील्ड लिगेंड है तो कैनोट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग यहाँ नहीं होगी जब लिगेंड कौन होगा वीक फील्ड हो, वीक लिगेंड होगा। अब यहाँ पे भी दिख रहा है अपन को कि 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते टाइम यहाँ पे क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपन को देखना है कि ये कितने आपके दे रखे हैं लिगेंड 6, तो यानी कि 6 लिगेंड के लिए अपन को 6 ऑर्बिटल चाहिए। 6 ऑर्बिटल में क्या लेंगे, एक एस का, 3p और 2d, यानी कि यहाँ पे काम आएंगे कौन, ये वाले एस पी के 3 और ये कौन है 4d, तो 2d के। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया देखना इसमें, देखिए कोबाल्ट प्लस 3 है तो 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। अब अपन इलेक्ट्रॉन फिल किए तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे अपन को, उसके बाद में जो वैकेंट ऑर्बिटल बचेंगे उसमें ही तो एक फ्लोराइड क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब देखना यहाँ पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, एक एस, 3 pk और 2 dk, तो sp3d2 क्या हो गया इसमें, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखना, अब यहाँ पे जो एक आपका कौन होगा, ये फ्लोराइड, तो एक फ्लोराइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। फिर दूसरा फ्लोराइड आएगा, वो भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसे 6 फ्लोराइड होंगे और क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये क्या हो गया, sp3d2। बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो होगा sp3d2। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगी, तो देखना ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर है आपकी, ये आपके फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड और फ्लोराइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ज्योमेट्री की तो होगी ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल। और अगर अपन बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने पेयरिंग नहीं की थी, तो ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पे पैरा मैग्नेटिक इन नेचर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो दिखाता है। तो देखिए बात किसकी करनी है अपन को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब देखिए यहां पे बात करते हैं कि ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, तो यहां पे बाहर वाले डी काम आ रहे हैं, कौन से काम आ रहे हैं, 3d वाले नहीं आ रहे हैं, 4d के बाहरी ऑर्बिटल के काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पे क्या होता है, हाई स्पिन होगी, यानी कि इसको ही क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर वीक लिगेंड दिया हुआ होता है तो वहां पे क्या पेयरिंग नहीं होगी, और अगर स्ट्रोंग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करवा देंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन 6 लिगेंड है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आया sp3d2। ठीक है, ये आपकी ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहाइड्रल। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो पैरा मैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये मैंने बता दिया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि बाहर वाले डी काम आ रहे हैं। अब देखना यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे ही अगर अपन मैं बात करूँ, सबसे पहले अपन ने एग्जाम्पल देखना क्या लिया था यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल है CONH3 6, और ये क्या है 3 माइनस। तो देखना एग्जाम्पल अपना दूसरा है, सेकेंड एग्जाम्पल होगा अपना कोबाल्ट का ही, क्या है सेंट्रल एटम NH3 6 3 माइनस। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको एक्स मानते हैं। यहाँ पे क्या है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, और ये क्या हो जाएगा आपका CO प्लस है। यहाँ पे क्या है +3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे देखना आपका जो CO+3 है, तो इसके लिए अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, यानी कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ही होगा 27। जेड कितना होता है 27, और एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d7 4s2 4p0 और 4d0। अब देखना यहाँ पे CO+3 चाहिए, तो वो ही 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से, 2s से जाएंगे 1d से। तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0 4p0 4d0। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो अपना कंपाउंड होगा CO+3, तो CO+3 में अपन को देखना ऑर्बिटल में फिल करेंगे ये 3d6, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, और ये इलेक्ट्रॉन 6, 4 में है नहीं, 4s0 है, आगे 0 है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगी। कैसे होगी ये पेयरिंग, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ पेयर होगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखना 1 2, यानी कि ये तो दो पहले से थे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हुआ तो ये डबल, ये इसके साथ पेयर हुआ तो ये वाले डबल, यानी कि जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो कितने हो गए, 2। ये क्या है 3d। ठीक है, 4s वैकेंट है, 4p 4p और 4d। 4d काम नहीं आएगा क्योंकि 3d काम आएगा यहाँ पे। सबसे पहले वैकेंट ऑर्बिटल ये रहे 2, उसके बाद में क्या है देखना s के, और s के बाद में आपके p के, ये रहे 6 ही ऑर्बिटल चाहिए अपन को, क्योंकि अपने पास लिगेंड कितने हैं 6 लिगेंड है, तो अपन को चाहिए 6 ऑर्बिटल जो वैकेंट हो। तो क्या हो जाएगा, वो ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपना, कौन सा s p
D2SP3, यानी D पहले है तो पहले D2, फिर ये S, ये P3। अब वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो जाएगा आपका 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे अपन को देखना है लिगेंड कौन है अपना, अमोनिया है। तो अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पे एक लोन पेयर डोनेट करता है, ये रहा अमोनिया। ऐसे ही कितने अमोनिया है अपने, 6 अमोनिया। 6 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे डोनेट करेंगे। NH3, 6 अमोनिया, 6 ही क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि अपन देखते हैं सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या देखा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, D2SP3। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल क्यों है, क्योंकि वो ही अपना क्या, कोबाल्ट। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, अमोनिया, NH3, 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 NH3। ये क्या है, 6 क्या होंगे, यहाँ पे लिगेंड है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपको एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाया मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके इनर या आउटर ऑर्बिटल की। ये डाया मैग्नेटिक हो गया। आउटर या इनर ऑर्बिटल की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखना यहां पे हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, D2SP3, ज्योमेट्री देख ली ऑक्टाहाइड्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख ली डायमैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल। अपन ने देखा था जब COF था, यानी कि कोबाल्ट के साथ फ्लोराइड जुड़ा हुआ था, तो ये डायमैग्नेटिक की जगह क्या आ गया था, पैरामैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल। और जहां इनर ऑर्बिटल होता है वहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए मैं आपको बता दिया कि दोनों जो कंपाउंड है CONH3+3 और COF6+6, इन दोनों में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, किस तरीके से आप क्या निकालोगे, ज्योमेट्री देखोगे, किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, ये सब अपन देखेंगे। देखना सबसे पहले अपन ने जब एग्जाम्पल लिया था तो यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे आपको CO+ करना है, यानी कि कोबाल्ट का ये -3 होगा, ये +3 है, ये लिखने में गलती हो गई थी। ठीक है, धन्यवाद।